उरी हमले के पीछे एक बार फिर पाकिस्तान का हाथ होने के साफ संकेत मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास पर चल रही बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, मनोहर पर्रिकर के अलावा रॉ चीफ के साथ ही कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी के सभी सदस्य मौजूद हैं। प्रधानमंत्री की बैठक से पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नॉर्थ ब्लॉक में सीआरपीएफ के डीजी समेत गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। उरी में मारे गए आतंकियों के पास से मिले हथियारों पर मेड इन पाकिस्तान की मुहर लगी है। ऐसे में भारत सरकार पर पड़ोसी मुल्क के खिलाफ कार्रवाई के लिए काफी दबाव है। दूसरी ओर श्रीनगर में शहीद जवानों के शव को श्रद्धांजलि दी जा रही है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। आतंकी हमले में जवानों की मौत के बाद देश भर में आक्रोश है। जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए अलग अलग शहरों में प्रदर्शन किए गए। आतंकी हमले के दौरान सेना की जवाबी कार्रवाई में सभी चार आतंकी भी ढेर हो गए थे। मारे गए दहशतगर्द जैश ए मोहम्मद के हैं और उनके पास से पाकिस्तानी हथियार और दस्तावेज मिले हैं। वहीं जालंधर पहुंचे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पठानकोट के बाद उरी में आर्मी बेस पर हुए हमले की निंदा की। उन्होंने हमले को देश की एकता के लिए चुनौती बताया। जेटली ने पीएम मोदी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान को उसके किए की सजा भुगतनी होगी। आर्मी बेस पर हुए हमले के बाद पीएम मोदी पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हमलावर हो गए। उन्होंने पीएम से पूछा, क्या 56 इंच का सीना सिकुड़ गया है? प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में देश सुरक्षित नहीं है। देश भर में उरी आतंकी हमले को लेकर गुस्सा है। यमुनानगर में जहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, वहीं पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। पठानकोट और अमृतसर में उरी हमले के खिलाफ रोष दिखा। वहां भी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। वाराणसी में लोगों ने शहीदों की आत्मा की शांति के लिए गंगा आरती की और दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी। फरुखाबाद में भी लोगों ने जमकर नारेबाजी की। वहीं लखनऊ में उरी आतंकी हमले पर विशेष नमाज पढ़ी गई। लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जुलूस भी निकाला। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टुडे।